कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अभी तक पुलिस की ओर से 3 FIR दर्ज की गई हैं। इन FIR में 40 लोगों को नामजद तो 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने नई सड़क में अघोषित कर्फ्यू लगाते हुए 35 उपद्रवियों को धर दबोचा। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और बुलडोजर भी चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कायम अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में लूटपाट, मारपीट और बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। दरअसल ये मामला तब बिगड़ा जब शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ लोगों ने बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में दुकानें बंद कराने की कोशिश की, वहीं दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू किया। इस पथराव में 35 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस हिंसा में 13 पुलिसकर्मी भी घायल हुए।